of the day. गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु. अनिल जी, यहाँ पर आईटी स्टॉक्स में मुझे लग रहा है एक अच्छी रिकवरी हुई थी कल के सेशन में, एंड काफ़ी सारे स्टॉक्स में अभी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का डेटा नज़र आ रहा है. उसमें से चूज किया है मैंने टेक महिंद्रा को. लगभग 7 दिनों का जो कंसोलिडेशन रेंज था 1320 से लेके 1280 तक का, आई थिंक ये पर्टिकुलर रेंज मेरा ब्रेक हो चुका है. तो यहाँ से मुझे लग रहा है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली बन सकती है. अगर इसके इंडिकेटर्स को भी देखें तो RSI पे एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर है 50 लेवल्स के आसपास का, एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है एक अच्छे लोअर टॉप लोअर बॉटम सीक्वेंस के बाद कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छे साइंस है रिवाइवल ऑफ ट्रेंड के. सो 1380 एंड 1360 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी है टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1308 पे लगाना है. अगर थोड़े से डिक्लाइंस मिलते भी है तो सपोर्ट बरकरार होना चाहिए 1320 के आसपास का. तो खरीदारी करनी है टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स में. टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी, ये है राय आपके लिए सचिन जी की तरफ से. अच्छा बाय द वे, एक बार हमारे सारे एक्सपर्ट पहले तो नोट कर लिए, 1308 का स्टॉप लॉस, 1360 और 1380 दो टारगेट है आपके लिए.